हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही फेमस और बहुत ही सिंपल सी सिवाइयाँ खीर रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है और ये सभी को बहुत पसंद आती है। और ये ईद में तो सभी के घर में बहुत बनती है और ये ईद की बहुत ही फेमस डिश मानी जाती है। तो आप इस ईद में इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई करिए। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सिवाइयाँ खीर बनाने के लिए हमें सबसे पहले सिवाइयाँ चाहिए होंगी। तो मैंने यहाँ पे हाफ कप जितना सिवाई लिया है। मैंने यहाँ पे बारीक वाली सिवाई लिया है, अगर ये ग्राम में देखें तो ये 100 ग्राम जितना होगा। साथ ही मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, तो मैंने यहाँ पे 20 ग्राम जितना काजू लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पे 15 ग्राम जितना पिस्ता लिया है और 20 ग्राम जितना ही मैंने यहाँ पे बादाम लिया है और 10 ग्राम जितना मैंने यहाँ पे किशमिश लिया है। मैंने किशमिश को छोड़कर बाकी तीनों चीज़ों को रात भर भिगो दिया था, बाद में इसका छिलका निकाल कर इसे बारीक काट लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पे हाफ कप जितना चीनी लिया है और 2 बड़े चम्मच जितना यहाँ पे देसी घी लिया है और 3 से 4 इलायची को मैंने क्रश कर कर लिया है। साथ ही सिवाइयाँ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर जितना दूध लिया है। अगर आप कप से देखें तो ये 4 कप जितना दूध होगा। मैंने इसे अच्छे से एक उबाल आने तक इसे हाई फ्लेम पर उबाल लिया है। अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो मीडियम कर देंगे और इसे 10 से 15 मिनट तक इसे अच्छे से पका लेंगे। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। आइए हम एक कढ़ाई लेंगे। अब हम इसमें 1 स्पून जितना देसी घी ऐड करेंगे। इसे अच्छे से गरम कर लेते हैं। फिर हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। घी हमारा अच्छे से गरम हो चुका है, तब हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे अपना काजू ऐड करेंगे, साथ ही हम अपना पिस्ता और बादाम भी डाल देंगे इसमें और इन्हें 1 से 2 मिनट के लिए इन्हें अच्छे से भून लेंगे। आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब इन्हें हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से इन्हें भून लेंगे, जिससे कि इसमें हल्का क्रंचीपन भी आ जाएगा, साथ ही इनका जो हल्का कच्चापन होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें किशमिश भी फ्राई कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है, आप चाहें तो कर भी सकते हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अब हम बचे हुए घी में अपनी सिवाइयाँ भी फ्राई कर लेंगे। तब हम इसमें अपनी सिवाइयाँ डाल देते हैं और इन्हें भी हल्का सुनहरा होने तक भून लेंगे। हमें इन्हें कंटिन्यू चलाते रहना है, जिससे कि हमारे जो सिवाइयाँ हैं सब तरफ से अच्छे से ब्राउन हो सकें और इनमें बहुत ही अच्छा सा लाइट ब्राउन कलर आ सके। हमें इन्हें 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से इन्हें मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। आप देख सकते हैं कि इनमें अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे, जो हमने अच्छे से पका लिया था। आप दूध बहुत ध्यान से डालें, क्योंकि सिवाइयाँ भी गर्म है और हमारा दूध भी गर्म है। अब हम साथ ही इसमें अपनी चीनी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप जितना चीनी ऐड किया है, आप अपने स्वाद अनुसार भी इसमें डाल सकते हैं। साथ ही हम अपना इलायची भी ऐड करेंगे और बाकी के ड्राई फ्रूट्स भी हम इसमें डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे काजू बादाम और किशमिश पिस्ता लिया है, आप इसमें अपनी पसंद के भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। अब हम सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे आपस में और इसे मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से पकने देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, जिससे इसमें बहुत ही अच्छे से थिकनेस आ जाएगी। साथ ही हमारी सिवाई और ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से पक जाएंगे। सिवाई को पकने में मैक्सिमम 4 से 5 मिनट लगते हैं, तो इसे हम पहले मीडियम फ्लेम पर अच्छे से एक पका लेंगे। अब हम गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे और इसे लो फ्लेम पर 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से इसे गाढ़ा होने तक पका लेंगे। साथ ही हम किनारों को भी इस तरीके से स्क्रैच करते हुए सिवाई में ही मिलाएंगे, जिससे कि हमारी सिवाई में बहुत ही अच्छा सा क्रीमीपन आ जाएगा। हमारी सिवाई बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं, यह बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे 5 से 10 मिनट के लिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसे एक सर्विंग बाउल में डिश आउट कर लेंगे। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसकी सर्विंग करेंगे। तो हम एक बाउल में इसे निकाल लेते हैं। आप इसे हल्का गर्म भी खा सकते हैं या फिर आप इसे ठंडा कर कर भी इसे खा सकते हैं। तो आपको जैसे पसंद है आप उस तरीके से इसे खा सकते हैं। तो हमारी सिवाइयाँ बनकर तैयार हैं और ये देखने में बहुत टेस्टी लग रही हैं। तो आप भी इस ईद पर इसे इस तरीके से बनाइए और अपनी ईद को और भी ख़ास बनाइए। और आपको अगर आज की मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी इस वीडियो के नीचे का लाइक का बटन क्लिक करिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।